टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड से हम लोग जानेंगे टॉप 5 स्कॉच व्हिस्कीज नेम फॉर द बिगिनर्स इन 2021। अच्छा, ये बिगिनर्स कौन है? जो जिंदगी में कभी व्हिस्की नहीं पिया है उसको हम लोग बिगिनर कह सकते हैं। जो बीच बीच में व्हिस्कीज पीते रहते हैं बट रेगुलर ड्रिंकर नहीं है उसको भी मैं बोलूँगा बिगिनर्स। और तो और मोस्टली यूथ पीपल को मैं बोलूँगा बिगिनर्स, क्योंकि वो लोग जब पार्टी करने जाते हैं तो मोस्टली बियर को चूज़ करते हैं और उससे पार्टी करते हैं। तो वो लोग अगर सोचते हैं कि मुझे व्हिस्की पीना है तो उनको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं एज अ बिगिनर। तो क्वेश्चन है कि बिगिनर्स को कौन सा व्हिस्की को चूज करना है? ऑफकोर्स मैं स्कॉच व्हिस्की रिकमेंड करूंगा, तो इसीलिए आज इस वीडियो में स्कॉच व्हिस्की के बारे में बात करेंगे, जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और वो सारा का सारा व्हिस्की एंट्री लेवल व्हिस्कीज है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि बिगिनर्स कैसे उसका पसंदीदा व्हिस्कीज को चूज करेगा? और यहाँ पर सबसे वाइटल रोल प्ले करता है पैलेट। जी हाँ, आपका पैलेट, और उसी से आपको सबसे अच्छा ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब ये पैलेट क्या है? तो जब भी आप कोई खाना खाते हैं वो अगर टेस्टी नहीं बनता तो सारा का सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है ना? और ये टेस्ट डिसाइड कौन करता है? आपका पैलेट। ऑफकोर्स ये पैलेट जो है ये स्वीट भी होता है और सावर भी होता है या बिटर होता है। तो टेस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप खुद ले सकते हैं कि आपका जो पैलेट है वो स्वीटर साइड है या बिटर साइड है या सावर साइड है, और उस हिसाब से ही चुनना है। अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे तो आप कंप्लीटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा व्हिस्की टेस्ट करना है। फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल करना चाहूँगा कि अगर आप अल्कोहल पीते नहीं हैं तो हाथ जोड़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्कोहल आप प्लीज़ मत पीजिए, क्योंकि अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को फिर बोलना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि अल्कोहल पीने से नशा होना चाहिए, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जो अल्कोहल को पी के नशा करने का सोचते हैं उनके लिए मैं ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो अल्कोहल को पीते तो है बट मॉडरेट तरीके से, साथ साथ अल्कोहल को जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो लोग अल्कोहल को, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 5 व्हिस्कीज कौन सा है जो इस लिस्ट में जगह बना लिया है, जो आपका पैलेट के लिए बेस्ट है। जैसे कि मैं आपको बताया था, एक है स्मोकी व्हिस्कीज और एक है स्वीट काइंड ऑफ व्हिस्कीज। तो पहले नंबर पर है ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व व्हिस्की। अगर आपका पैलेट थोड़ा स्वीट है, आप थोड़ा सा स्वीट पसंद करते हैं, तो आपको ब्लैक डॉग रिजर्व या गोल्ड रिजर्व पसंद करना चाहिए। ये जो फ्रूटी मॉल्टी कैरेक्टर व्हिस्की है ये आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकता है। ब्लैक डॉग आपको पैलेट में थोड़ा सा हैवी बॉडी लग सकता है, मॉल्टी उडी एंड फ्रूटी कैरेक्टर के साथ बहुत ही बेहतरीन ये व्हिस्की है। नोज में आपको मिल सकता है टोस्टेड मॉल्ट, माइल्ड हनी स्वीटनेस, डेलिकेट बटर स्कॉच के साथ हिंट ऑफ फ्लोरल नोट्स, और पैलेट में ये काफ़ी रुबेस्ट है, रिच मॉल्ट एंड ओक, साथ में सेरी स्वीटनेस का नोट आपको मिल सकता है, काफ़ी वार्म एंड स्पाइसी भी लग सकता है, एंड फिनिश काफ़ी लॉन्ग है, इंटेंस है एंड ब्राइट है। फ्रेंड्स, मूव करते हैं 4 नंबर पर, और 4 नंबर पर है 100 पाइपर। एक्चुअली ये काउंटडाउन नहीं है, काउंटडाउन मत समझिए, जस्ट मैं 5 व्हिस्कीज का नाम बताने वाला हूँ। तो 100 पाइपर, तो 100 पाइपर उन लोगों को पसंद हो सकता है जो ज़्यादा स्वीट व्हिस्कीज पसंद नहीं करते हैं, यू नो थोड़ा सा बिटर टेस्ट चलेगा, तो उन लोगों के लिए 100 पाइपर सही है, क्योंकि 100 पाइपर में मोस्टली आपको स्मोकी नोट मिलता है। जिन लोगों को पसंद है स्मूथ विद जेंटल स्मोकी नोट्स, उनके लिए अल्टीमेट है 100 पाइपर। नोज में ये काफी वुडी एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस का एहसास दिलाता है विद अ हिंट ऑफ ओक, ऑफ कोर्स ओक नोट जो एक स्वीट एरोमा आपको फील कराता है, हनी एंड वेनिला नोट्स भी आपको मिलता है इस पर्टिकुलर व्हिस्कीज में, एंड टेस्ट में इसका फ्रूटीनेस एंड बैलेंस स्मोकीनेस क्वाइट अमेजिंग बना देता है इस व्हिस्की को, एंड फिनिश में 100 पेपर काफी क्लासी फ्लोरल नोट के साथ क्वाइट लॉन्ग फिनिश देता है। चलिए मूव करते हैं 3 नंबर पे, और यहां पर है कौन है? टीचर्स, अगेन एक स्मोकी व्हिस्की, मतलब
थोड़ा सा बीटर टेस्टिंग विस्की। इट्स अ जेंटल ऑप्शन फॉर दोस जिनको लाइट स्मोकी क्रीमी एंड फ्लेवरफुल विस्की पसंद है। इंडिया में टीचर साइलेंट क्रीम एक बेस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की है और जो स्कॉच विस्की लवर है उनके घर में आपको बिल्कुल मिल जाएगा ये ब्रांड। जब टीचर साइलेंट क्रीम को आप नोज कीजिएगा तो आपको मॉल्टी एंड स्मोकी नोट्स का एहसास देगा, साथ में फ्रूटीनेस एंड हनी का भी नोट मिल सकता है। पैलेट में ये बहुत राउंडेड है, मॉल्टी एंड पीटी भी लगता है विद अ ट्रेस ऑफ टॉफी एंड फ्रूट नोट्स, और फिनिश में आप एहसास कर सकते हैं स्मोकी नोट साथ में उडी नोट्स एंड स्पाइसी नोट, बहुत अच्छा लगता है। अब मूव करते हैं नंबर टू पे और यहाँ पर है JNB जस्ट्रेनी एंड ब्रुक्स। ये जो विस्की है ये बहुत माइल्ड विस्की है, बहुत ही लाइट काइंड ऑफ विस्की है। इसका जो नेचर है एकदम लाइट काइंड ऑफ नेचर है, मतलब ये विस्की उन लोगों को अच्छा लगेगा जो जिंदगी में कभी भी विस्की ट्राई किया ही नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, उनको आप अगर JNB पिलाते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है अच्छा होगा, भले ही उसका पैलेट मीठा हो या बिटर हो। JNB उसके का जो कैरेक्टर है वो है लाइट स्वीट, लाइट स्पाइसीनेट, लाइट फ्रेग्रेंसेस एंड लाइट वनीला, मतलब सब कुछ लाइट बट टेस्ट जो है बहुत बैलेंस्ड है, हिंट ऑफ स्पाइसीनेस के साथ हिंट ऑफ स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन, क्वाइट अमेजिंग उसकी है। किसी को भी आँख बंद करके दे दीजिए अच्छा लगेगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट और वो है जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल, जिसको हम लोग रिचेस्ट पीपल विस्की बोलकर जानते हैं। फ्रेंड्स, जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल में अद्भुत एक खासियत है और जिसके कारण जॉनी वॉकर सबसे ज़्यादा इंडिया में सेल भी करता है। एक्चुअली ये जो स्कॉच है ये हर घर में दिख जाता है और इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी के पीछे एक राज है जो है स्पाइसी इन नेचर। ये जो विस्की है ये थोड़ा सा स्पाइसी आपको एहसास देता है। अब इंडिया में क्या है ना, इंडियन जो पीपल है, जो इंडियन कल्चर है, उसमें स्पाइस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हम लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो विस्की हर एक जगह में कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो इसीलिए ये विस्की बहुत पॉपुलर है। जिन लोगों को वुडी स्मोक पसंद है, फ्रूटी स्पाइसी विस्की पसंद है, उन लोगों के लिए ब्लैक लेवल अल्टीमेट है। नोज में हिंट ऑफ वेनिला विथ स्ट्रॉन्ग रिचर एसेंस ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स आपको मिलता है। टेस्ट में ये विस्की काफी क्रीमी लगता है और उसमें आप टॉफी नोट का भी एहसास कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ स्मोकी ओक एंड ड्राई स्पाइस का भी आप एहसास कर सकते हैं टेस्ट में। और जॉनी वॉकर का जो फिनिश है ये ट्रॉपिकल लॉन्ग फिनिश है, साथ में हिंट ऑफ स्मोकीनेस के साथ फ्रूटीनेस का एहसास आपको देता है। तो आगे से अगर आप विस्की पीने का सोच रहे हैं तो इन जो 5 विस्कीज का नाम मैंने बताया इनमें से एक या दो ट्राई कर सकते हैं। याद रखिएगा मॉडरेट ड्रिंकिंग बहुत ज़रूरी है, विस्की को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, धीरे पीना है, आराम से पीना है और इन्जॉय करना है, ड्रंक होकर बेवड़ा होकर इधर उधर गटर में पड़े रहकर विस्की को कभी इन्जॉय नहीं किया जाता है, या ड्रंक होकर विस्की को कभी इन्जॉय नहीं किया जा सकता है। तो आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हो।